गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन राम रवि है। मैं आपके समक्ष बौद्धिक ज्ञान के शीर्ष पर ज्ञान का उपयोग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। यदि पहचान करना हमारा स्वरूप है, फिर तो हम हर एक चीज़ के साथ खुद को पहचान देते हैं। यह पहचान प्रक्रिया यांत्रिक है। आध्यात्मिक शिक्षण का एक अहम पहलू है गैर पहचान। आप परेशान हो जाते हैं कि आपके दृष्टिकोण को सम्मान नहीं मिला, यह दर्द पैदा करता है। मतभेदों के दर्द को लंबे समय तक ढोते रहना यांत्रिक दिमाग का हिस्सा है। जब तक हम अपने यांत्रिक केंद्र को एक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित नहीं कर लेते, नकारात्मक आकार यूं ही जारी रहेंगे। एक बार चुंबकीय केंद्र हमारे अंदर खुल जाए तो हम दर्द सहने की मूर्खता को स्वयं ही समझ सकते हैं। दो तरह के क्षेत्र हैं, ज्ञान का क्षेत्र और अस्तित्व का क्षेत्र। ज्ञान का उपयोग किसी व्यक्ति के अस्तित्व को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी परिपक्व हो जाती है। एक परिपक्व जीव के तौर पर जब आप उसी ज्ञान को देखेंगे तो आप गहरे अर्थ पाएंगे। जिंदगी और अस्तित्व में गहरे अर्थों का पालन करने से आपकी जिंदगी और भी परिपक्व हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ महान घटित हो सकता है। अपने शरीर के बारे में सचेत रहें। आप शांत हैं या तनावपूर्ण? अपनी भावनाओं के बारे में सचेत रहें। क्या आप यांत्रिक रूप से किसी से नफरत या प्यार करते हैं? अपने विचारों को देखिए। अपने दिमाग के बारे में ज़्यादा सचेत रहें। महज वैचारिक ज्ञान काम नहीं आता। ज्ञानी गुरुओं की शिक्षा के माध्यम से जिंदगी के प्रति यांत्रिक रुख बदला जा सकता है। ऐसे हर उस अवसर पर जब हम पर यांत्रिक रूप से पेश आने का दबाव होता है, गुरुओं की शिक्षा को प्रयोग में लाएं। लगातार नियमित अभ्यास से एक अलग ही तरह का आयाम बाहर निकलता है, लवणता का। पहला घटक है हमारी यांत्रिकता, दूसरा परम ज्ञान प्राप्त सिद्ध गुरुओं की शिक्षा, और तीसरा है लवणता। लवणता तभी आ सकती है जब हम शिक्षा को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करें। लवणता उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से आप चाहते हैं, वो अपने तरीके से चलती है। लवणता की भाषा को सराहना सीखें। धन्यवाद।